यहाँ पे आप सब लोगों को पता है 4 से 10 तारीख तक हमने रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक का प्रोग्राम यहाँ पे चलाया था। आज उसका समारोह था। बहुत भारी तादाद में मीरा भाईंदर वासियों ने हमें पुलिस डिपार्टमेंट को सहयोग किया है। एक अच्छा फंक्शन यहाँ पे समाप्त हुआ है और अच्छी तरीके से हम लोगों तक पहुँचने में कामयाब हुए। जो हमें मैसेज देना था, मेरा ये मानना है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो कैसे बचाए जा सकते हैं, उसमें जो एज ग्रुप वहाँ पे उनकी डेथ होती है, सीवियर कैजुअलिटीज या सीरियसली इंजर्ड होते हैं, तो इससे समाज में कितना नुकसान होता है, उनकी फैमिली का कितना नुकसान होता है, ये भी बातें यहाँ पे हमने लोगों को बताने की कोशिश की है। यहाँ के मीरा भाईंदर के सब सम्मानीय व्यक्तिगण, आज यहाँ पे जो फंक्शन हम देख रहे हैं, ये समारोह का फंक्शन जो है ये थोड़ा सा लेट हुआ है। ये फंक्शन था 4 to 10, ये ऐसा एक प्रोग्राम था रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक का, कुछ वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक जैसे कैप्टन साहब ने बताया, जैसे हमने एंटी ड्रग अवेयरनेस वीक ये हमने यहाँ पे मीरा भाईंदर में स्टार्ट किया आज से, और मुझे लगता है कि इसमें भी आप लोगों का सहयोग जरूरी है। तो ये दो बातें एक अच्छी बात है सोसाइटी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने शुरू की है। रोड सेफ्टी वीक के बारे में ये अभी सेंट्रल लेवल से या फिर कुछ जुडिशियरी के माध्यम से यहाँ पे ऐसे बताया गया है, और हमें भी यहाँ पे उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए ऑन पेपर ये सब बातें आई हुई है। उसमें हमें भी बताया गया है कि जो भी है यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 20-30% इसको कम करना है। और मुझे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ मैं बताता हूँ कि इसके लिए हमने ऑलरेडी सब हमारी जो कार्रवाई करनी है वो शुरू कर दी है। मैंने मेरे ऑफिसर्स को भी ये जिम्मेदारी दी है। तो ये सोचना जरूरी है कि ये बातें गवर्नमेंट लेवल तक या फिर जुडिशियरी लेवल तक कैसे गई, और उनको ये क्यों लग रहा है कि ये सब इसमें कम होना चाहिए। 20-30% जो रोड एक्सीडेंट्स उसको कम करना है, यानी कि अगर देखा जाए तो अभी दिन ब दिन रोड एक्सीडेंट जो परसेंटेज वाइज है और उसमें जो डेथ होती है, जो सीरियसली इंजर्ड होते हैं, इसकी तादाद, इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रही है। और एक सर्वे किया गया और इसमें देखा गया कि इसमें मरने वाले कौन से ग्रुप के लोग हैं, कौन सा एज ग्रुप है, तो ये इसमें पाया गया कि ज़्यादातर जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो इसमें उनकी डेथ हुई है। और इसको देखते हुए आगे चल के हमारे सोसाइटी में अपने स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे ये जो प्रोडक्टिव एज के लोग अगर इसमें डेथ हो रही है, तो आगे चल के ये थोड़ा सा सोसाइटी में या फिर जो प्रोडक्शन के इसमें इसे बहुत ही आगे चलने के लिए ये एज ग्रुप को आगे ले जाना जरूरी है। इनको ऐसे ही रोड एक्सीडेंट में डेथ करने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑफिशियली पेपर पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी वहाँ पे आइडेंटिफाई किए। ब्लैक स्पॉट ऐसे सिटी में तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे मेरा जो ज्यूरिडिक्शन है पूरा थाने ग्रामीण का, वहाँ पे हमने ब्लैक स्पॉट जो हाईवे है, नासिक हाईवे है यहाँ पे या नगर हाईवे जो गुरबाड़ और उसके तहत है, वहाँ पे हमने ब्लैक स्पॉट भी आइडेंटिफाई किए। और हम अब ऐसे करने जा रहे हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हुए हैं वहाँ पे हम ये बोल रहा वहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे मैंने मेरे कुछ सर्विस में, जैसे मैंने पहले कहीं पे सर्विस किया है अलग अलग जगह पे, तो हमने वहाँ पे एक ऐसे किया कि वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाए कि आगे आप जहाँ जा रहे हैं 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 500 मीटर पे, तो वहाँ पे कितनी डेथ हो चुकी है, तो लोगों को एक लगे कि नहीं भाई आप ये बोर्ड दिखा ऐसे ऐसे, तो आदमी थोड़ा सा डर जाता है। ऐसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने का ये हमारा मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें वर्कआउट अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे लोगों के मन में एक ये रहता है कि हमने यहाँ पे ड्राइविंग कैसी करनी चाहिए। और अलग इसमें अगर
अब एक्सीडेंट होते क्यों है, जैसे आप यहाँ पे इन्होंने आपको स्लाइड यहाँ पे दिखाई, कृष्णा जी और उनके ग्रुप ने बहुत इस पे मेहनत की है। मुझे लगता है कि कृष्णा जी और उनको जो एनजीओ बाकी लोग काम करें इनके लिए जोरदार एक बार ताली आप बजाइए। और जो लड़का है उसकी जो उम्र भी देखो आप, मुझे लगता है शादी नहीं हुई तो भी अभी इसको सोसाइटी की पड़ी है, अपने देश की पड़ी है। बहुत अच्छा काम कृष्णा जी का चल रहा है और कभी भी हम उसको उनको बुलाते हैं तो ये रेडी हो जाता है। एक अच्छा काम और कुछ उसमें मुझे नहीं लगता कि उनका कोई उसमें स्वार्थ है या अलग तरीके से कुछ है। तो निश्चित तौर पे कृष्णा जी हमारे साथ रहेंगे और बाकी भी एनजीओ के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। और अब रोड एक्सीडेंट होते क्यों है, इसमें भी सर्वे हो चुका है, बहुत सारे कारण है। मुझे आप लोगों को बताते हुए भी दुख होता है कि इसमें हमारे भी लोग शामिल है। रोड एक्सीडेंट में जिनकी जाने जाती है वो हमारे लोग भी उसमें, पुलिस कर्मचारी और ऑफिसर जो होता है उसमें बहुत सारे उसमें है। यहाँ तो मीरा भाईंदर में वैसे रेसिडेंशियल यहाँ पे लोग हमारे रहते हैं, लेकिन बाकी रूरल प्लेसेस में हमारे लोग अप डाउन करते हैं बाइक पे और रात में निकलते हैं और ड्यूटी का तो कोई टाइम नहीं है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये भी सर्वे किया था कि वहाँ पे हमारे लोगों की कितनी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे लोग उसमें डेथ होते हैं क्योंकि रात में निकलेंगे और उस टाइम पे गलती किसकी है ये तो इसमें एक अलग तरीके से भी सर्वे किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि गलती किसकी है रोड एक्सीडेंट में, जैसे मैंने आपने स्लाइड पे देखा कि दूसरा चांस इसमें नहीं मिलता है रोड एक्सीडेंट में। बाकी इसमें तो आपको चांस मिलने का मिलेगा सुधरने का, एंटी ड्रग अवेयरनेस में भी मिलेगा, अलग इसमें भी मिलेगा, रोड एक्सीडेंट में नहीं मिलता है चांस बाद में सुधरने का, क्योंकि वहां पे क्या स्पॉट पे क्या सिचुएशन है ये हम नहीं बता सकते।